प्रेजेंट सर। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में इसका काफी यूज है। प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता, हर समय उनको कन्फ्यूजन बना रहता है। आइए हम लोग देखते हैं अच्छे से, एक बार देखने के बाद इसको हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, इतना अच्छा से देखेंगे। ओके, आइए समझते हैं क्या होता है प्रोनाउन। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या लिखा हुआ है? टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन मींस कोई नाउन है, अगर उसके जगह पे कोई ऐसा वर्ड हो जो इस नाउन के जगह पे यूज करे, इस नाउन के बदले में अगर कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं तो उस दूसरे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल, नाउन के बदले में, किसी नाउन के बदले में अगर हम लोग कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड, ऐसा वर्ड दैट जो टेक्स द प्लेस ऑफ, जगह लेता है किसका? नाउन का। ऐसा वर्ड जो नाम का जगह लेकर यूज किया जाता है, नाम के बदले यूज किया जाता है, वैसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ओके, एग्जांपल क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब नाउन जो होते हैं उसके बदले में यूज, नाम के बदले हम लोग आई, वी, यू ये सब यूज करते हैं, इसलिए इन सभी वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ओके ओके, चलिए देखते हैं। एक स्टोरी है, मोहित इज अ बॉय, मोहित एक लड़का है। मोहित इज अ गुड स्टूडेंट, मोहित एक अच्छा स्टूडेंट है। मोहित इज वेरी टॉल, मोहित बहुत ही लंबा है। मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट, मोहित जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, तेज है। मोहित ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, मोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। यहाँ पे इस स्टोरी में क्या बताया गया है? हर जगह मोहित के बारे में बात किया गया है, हर जगह मोहित के बारे में, लेकिन एक बार मोहित नहीं आया, यहाँ पे बार बार मोहित 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 हर बार मोहित 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 बोल रहे हैं हम लोग। क्या ये सही है? नहीं ना, हम लोग हर बार मोहित मोहित बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? मोहित के बदले में क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। मोहित इज अ गुड, मोहित इज अ बॉय, मोहित एक लड़का है। ही इज अ गुड स्टूडेंट, अब मोहित के बदले में क्या यूज हो रहा है? हर बार मोहित 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 सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्या यूज किया हम लोग इस बार? इस मोहित के जगह पे, इस मोहित के बदले में हम लोग क्या यूज किए? यहाँ ही, इस मोहित की जगह पे हम लोग ही यूज किए। ही मोहित इज अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? ही इज अ गुड स्टूडेंट, ये अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। क्यों? बार बार नाउन का यूज करना सही नहीं होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग हमेशा एक बार नाउन यूज करने के बाद अगर उसके बारे में दोबारा कुछ भी डिस्कस करना हो तो उसके लिए हम लोग नाउन का यूज ना करके प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम लोग हर जगह क्या यूज करेंगे? मोहित के जगह पे क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। ओके, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज वेरी टॉल, मोहित इज वेरी, मोहित इज वेरी टॉल। अब इसके बाद में हम क्या यूज करें यहाँ पे? ही इज वेरी टॉल। नेक्स्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे क्या यूज किए हैं? मोहित इज वेरी इंटेलिजेंट,
हर बार होगी। यहाँ पे भी वही के बदले में हम लोग ही लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है मोहित ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, हर बार मोहित मोहित। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस मोहित को यूज ना करके अगेन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। तो कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पार्ट सेकंड। क्यों, देखिए मोहित इज अ बॉय, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में भी बोलने में भी, इसलिए हम लोग हर बार नाउन, यहाँ पे नाउन क्या है मोहित, हर बार मोहित की जगह पे, हर बार नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करेंगे उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, फोर टाइप, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, कौन कौन सा टाइप होता है, फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कितने टाइप होते हैं, चार, कौन कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम लोग वर्ड बाय वर्ड हर टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।